आमिर खान को आज मुलायम सिंह का साथ मिला, वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह ने कहा कि सरकार आमिर खान को परेशान कर सकती है। शाहरुख खान को ईडी के नोटिस को आज दिग्विजय सिंह ने आमिर खान से जोड़ा। आरोप लगाया कि सरकार ने शाहरुख खान को परेशान किया था, अब आमिर खान को भी परेशान कर सकती है। वहीं मुलायम सिंह यादव ने सरकार को सलाह दी कि वो आमिर की बात को गंभीरता से सुने। बुला के पूछना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है कि आपको तकलीफ कहाँ हुई है, ये पूछना चाहिए। कहीं कहीं तो तकलीफ हुई, तो बड़ा कलाकार है जिसका तो बड़ा सम्मान है, हम और आप सम्मान करते हैं, तो कहीं ना कहीं तो तकलीफ हुई है, तो उसको पूछना चाहिए सरकार। जो कल एक कलाकार फिल्म वाले ने जो बोला है आमिर खान ने, वो बिल्कुल वाजिब बात है। तो सरकार को और जो सरकारी पार्टी उसको सहनशील होना चाहिए। एंड आई वुड बी सरप्राइज लाइक मिस्टर शाहरुख खान हैज बीन इश्यूड अ एनफोर्समेंट डायरेक्टेड नोटिस, आमिर खान मे आल्सो गेट अ एनफोर्समेंट डायरेक्टेड नोटिस फ्रॉम द गवर्नमेंट। संगीतकार एआर रहमान ने कहा कि हम दुनिया की सबसे अच्छी सभ्यता हैं और इसे हमें साबित करना होगा। वीरेश पांडे, इंडिया टीवी, दिल्ली। असहिष्णुता पर दिए बयान पर आमिर के खिलाफ कानपुर में केस दर्ज, लखनऊ में विरोध प्रदर्शन। आरएसएस ने कहा हिंदुस्तान का मुसलमान वफादार। आमिर खान के असहिष्णुता वाले बयान के विरोध में शिव सैनिकों ने प्रदर्शन किया और पुतला जलाया। वही कानपुर के सेशन कोर्ट में आमिर खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिस पर 1 दिसंबर को सुनवाई होगी। 1.5 करोड़ लोग रहते हैं और किसी को परेशानी नहीं होती, उसी को क्यों हुई? तो ऐसा तो नहीं है कि मियां बीवी में कुछ झंझट हो, तो बेचारी व्यक्त ना कर रही हो और उसको ऐसे व्यक्त कर दिया। हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान की सरजमीं का वफादार, इसलिए उसकी वफादारी को सवाल नहीं करेगा। अब उनको कितनी समझ आएगी मुझे मालूम नहीं है, अगर वो दाऊद की या कॉलेज। इंद्रेश कुमार ने कहा कि मुंबई में 1.25 करोड़ लोग सुकून से रहते हैं, तो अकेले आमिर खान को डर क्यों लगता है? अनंत प्रकाश पांडे, इंडिया टीवी, दिल्ली। असहिष्णुता पर आमिर खान के बयान पर शिवसेना का वार, सामना में आमिर को रणछोड़दास बताया गया। आमिर के असहिष्णुता पर दिए बयान पर शिवसेना ने सामना में लिख लिखा है और आमिर खान पर जमकर हमला बोला है। सामना में लिखा है, देश छोड़कर जाने की बात करना बेईमानी है, अगर हिंदुस्तान रहने लायक देश नहीं है तो ये इडियट रणछोड़दास किस देश में जाना चाहते हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ब्रुसेल्स या माली, ये जल्द बताएं। जिन्हें देश अपना नहीं लगता वो देशभक्ति और सत्यमेव जयते की झूठी बातें ना करें। सामना में आमिर को सलमान खान और दिलीप कुमार से सीखने की नसीहत भी दी गई है। संदीप चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई। उधर जम्मू कश्मीर के तंगधार में सेना के कैंप में आतंकी हमला हुआ, जैश ए मोहम्मद ने ली जिम्मेदारी, 3 आतंकी ढेर। आतंकियों ने आज एलओसी के करीब तंगधार सेक्टर में सेना के कैंप पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद सेना के कैंप में आग लग गई। हमले के बाद सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। भारत और भारतीय सरकार पूरी तरह सक्षम है हर प्रकार के आतंकवादी चुनौती से निपटने के लिए। सामूहिक लड़ाई सारे देश मिलकर के लड़े, उसके लिए एक संकल्प भी बना है, एक नीति भी तैयार हो रही है। दुनिया में एक नई जंग की आहट, फाइटर प्लेन उड़ाने पर रूस और टर्की की आपस में ठनी। अमेरिका और ब्रिटेन भी आए टर्की के समर्थन में। आईएसआईएस के खिलाफ जारी जंग के बीच टर्की ने पहले रूस के फाइटर प्लेन को गिराया, फिर उस प्लेन के पायलट के सर्च में रूस का हेलीकॉप्टर टर्की पहुंचा तो उसे आईएसआईएस के समर्थकों ने रॉकेट लॉन्चर से वार कर गिरा दिया। इन दो हमलों के बाद रूस भड़क गया है। राष्ट्रपति पुतिन ने इसे टर्की का धोखा करार देते हुए बदला लेने का ऐलान किया है, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन ने कहा है कि रूस का हमला हुआ तो वो टर्की का साथ देंगे। It's very important right now for us to make sure that both the Russians and the Turks are talking to each other, find out exactly what happened, and take measures to discourage any kind of escalation. रूस और टर्की की आपस में इतनी तनातनी हो गई है कि इसीलिए रूस के विदेश मंत्री ने टर्की का अपना दौरा रद्द कर दिया। मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी।
और पहले तुर्की ने रूस के जेट प्लेन को मार गिराया, अब पायलट की तलाश में आए रूसी हेलीकॉप्टर को आईएस समर्थकों ने उड़ा दिया। रूस का यह हेलीकॉप्टर तुर्की में मार गिराए गए फाइटर प्लेन के पायलट की सर्च में गया था, लेकिन आईएस समर्थकों ने इस पर रॉकेट लॉन्चर से हमला कर दिया। पायलट की तलाश में दो रूसी हेलीकॉप्टर निकले थे, एक तो वहां से बच निकला लेकिन दूसरा आईएस के हमले का शिकार बन गया। कल तुर्की में एयर स्पेस के उल्लंघन का आरोप लगाकर जब रूस के फाइटर प्लेन को मार गिराया गया था, उस वक्त प्लेन में दो पायलट सवार थे। दोनों पायलट विमान से पैराशूट के सहारे नीचे कूद पड़े, लेकिन तभी आईएस के आतंकियों ने पायलटों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। दोनों पायलटों पर जबरदस्त फायरिंग की गई।